या एक दो बार फेंक कर चेकन कर के कोई किसी तरीके का हलचल नहीं है तो उसके बाद फिर डकैती होती है। इसलिए आप इसको समाज के बुद्धिजीवी हल्के में ना लें, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। ये तो केवल प्रैक्टिकल है कि ये लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। उन्होंने अब से 3 साल पहले samarthbharat.com नाम की एक वेबसाइट है, आप उस पर खुद देख सकते हैं। आप मेरी बात पर भरोसा न करें, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हर चीज को सबूत से तुल लें। samarthbharat.com नाम की एक वेबसाइट है, www.samarthbharat.com। इसके ऊपर एक नया संविधान 3 साल पहले उन्होंने डाला हुआ है, उसके ऊपर जनमत हो रहा है। और इस नए संविधान के अंदर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के ऊपर और राष्ट्रपति इनके ऊपर एक गुरु सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव है। और ये जो गुरु सभा है, इस गुरु सभा में भारत के चारों शंकराचार्यों को रखने की तैयारी है। यानी देश को धर्म के आधार पर ले जाया जा रहा है और धर्म के आधार पर आप लोग शुद्ध हैं और आपको ना संपत्ति का अधिकार है ना किसी तरह का है। वो आज नहीं तो कल, वो 10 साल 11 साल बाद इस देश में इस काम को कर देंगे अगर हम लोग आपको आदर के बैठे रहे। तो एजेंडा ये है, 6 लाख से ज्यादा संगठन देश में SC ST OBC के चल रहे और उनका एक संगठन और उसके 150 फ्रंटल संगठन है, उनका एक ही संगठन है। तो हम लोग सब लोग उनकी बुराई तो करते हैं, उनके बारे में चर्चा तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अच्छाई है हम उसको नहीं देख रहे कोई। हमारे 6 लाख संगठन चल रहे हैं, हमारा अलग अलग नेता है, सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। हमारा नेशनल स्तर का कोई भी संगठन नहीं है, अन्यथा आदमी राजनीति कहीं कर ले, किसी पार्टी में कर ले, किसी दल में रह ले, कितनी पार्टियां बना ले, मतलब इससे नहीं है। मतलब अपने महापुरुषों की विचारधारा सुनना चाहिए, लेकिन हम विचारधारा के मामले पर भी इस देश में ना तो कोई संगठन जो है, एक आध बना है उसको काउंटर कर लिया दुश्मनों ने। इसलिए हम लोग राजरतन अम्बेडकर जो है इनको बड़ी उम्मीद से हम देख रहे हैं। और उम्मीद ये है कि बाबा साहब की फैमिली में, अगर आपने वॉल्यूम आप पढ़ करके देख लीजिएगा बाबा साहब के, अपने परिवार के बारे में भी बाबा साहब ने वॉल्यूम में सारा क्लियर कर रखा है। राजरतन अंबेडकर ये बाबा साहब के जो बड़े वाले भाई थे, आनंद राव अंबेडकर, जिन्होंने जब वो 9th क्लास में पढ़ रहे थे तब बाबा साहब 4th क्लास में थे, और पिताजी रामजी सतपाल जो थे वो अंग्रेजों की जो रेजिमेंट थी उसके अंदर नायब सूबेदार थे। तो उस समय जब कर्मचारी रिटायर होता था तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर पेंशन का प्रोविजन नहीं था। तो बाबा साहब के पिताजी रिटायर हो गए और उनके सामने ये समस्या हो गई कि परिवार कैसे चलेगा। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी बाबा साहब के बड़े भाई आनंद राव को, जो उस समय 9th या 10th में पढ़ रहे थे, उनको कहा कि मुझे ये जो भीम है ये मुझे ज्यादा तेज नजर आता है, ये ज्यादा कुछ कर सकता है और मैं ये चाहता हूँ कि इसको आगे बढ़ाया जाए। और मैं तो बूढ़ा हो गया, पेंशन मिलनी नहीं है, तो कितने दिन तक खर्चा उठाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आनंद अपनी पढ़ाई छोड़ करके आप तो कोई काम करो और वहां से पैसे कमा करके इसकी मदद करो। तो तब बाबा साहब 10th तक आए और 10th के बाद ही तो साहू जी महाराज ने मदद की है। तो ये जो आनंद राव है ये बाबा साहब के बड़े वाले भाई हैं, चूंकि 14 परिवार जो 14 संतान है बाबा साहब की फैमिली में, वो 10 लोग तो अभाव और बीमारी में चले गए, 4 ही तो लोग जिंदा रहे हैं, जिसमें एक बाबा साहब, एक उनके पिता बड़े भाई और दो उनकी बहन, ये 4 ही तो लोगों का परिवार रहा है। तो ये जो राजरतन है ये बड़े वाले भाई का अपड़ पोता है। तो हमें फैमिली, ये तो बहुत अच्छा सौभाग्य है कि बाबा साहब की फैमिली से ही आ रहा है, अगर ना भी हो तो हम सारे के सारे बाबा साहब की फैमिली है। अगर इसमें से कोई ईमानदारी से सच्चाई के साथ आंदोलन लेकर के चले, राजरतन जी का नाम तो केवल और केवल हम इसलिए चाह रहे हैं कि बाबा साहब की फैमिली से जो काम हम लोग संघर्ष करके 10 साल में तैयार करेंगे, अगर तरीके से आपका संरक्षण हो जाए, आपका आशीर्वाद हो जाए और इसको लेकर आप तरीके से चलें, तो वो काम देश में 5 साल में हो सकता है जो 10 और 20 साल में होगा। और नए व्यक्ति का किसी को भी तैयार करेंगे कुछ ये गारंटी नहीं है कि कल को वो क्या कर दे। इसलिए मैं आपको ये प्रस्ताव रख रहा हूं यहां इस मीटिंग में कि आप संरक्षक दाता बनिए, आप हमारा संरक्षण करिए। और जिस तरह से दुश्मन इस देश के अंदर सारी राजनीति और सारे सामाजिक संगठन उनके हाथ में है, जो आपके संगठन है उनमें भी वो है, एक अपना ऐसा संगठन बनाइए कि नेता चाहे राजरतन हो और चाहे साहब की फैमिली से है, चाहे डॉक्टर गौतम साहब हो, चाहे विनोद तेजयान हो या पदम, कोई भी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, लेकिन इन सब के ऊपर
आप बुद्धिजीवी लोगों का समाज के एससी एसटी ओबीसी और आदिवासियों का कम से कम 100 लोगों का प्रारंभिक चरण में एक ऐसा संगठन हो कि ना तो राजरतन कुछ कर पाए, ना विनोद तेजयान कुछ करे, ना डॉक्टर साहब करे, जो भी फैसले लेने हैं ये संरक्षण समिति ये चाहता हूं, ये मेरा प्रस्ताव है कि इसके ऊपर आप काम करें। क्योंकि चल क्या रहा अब तक, चल क्या रहा, फेल क्यों है हम? फेल हम इसलिए हैं कि हमारा एक लीडर होता है, या तो दुश्मन उसको काउंटर कर लेता है। अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के अब तक अपने बड़ों की सभ्यता को आप देखें तो कौन है ये संकर और कौन है ये 11वां संकर जिसको 9 लड़कियां देकर के इस देश में भांग दतुरा शराब और गांजा पिलवा करके मरवाया गया है। तो एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, एक आदमी को तो कोई भी काउंटर कर लेता है। इसलिए आप लोगों का भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो अब तक पहल नहीं हो रही है देश में, एक ऐसा संगठन हो कि किसको निकालना है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय ना करें, ये तय वो संगठन करेगा कि किसको लेना है और किसको बाहर करना है। क्योंकि एक आदमी तो अगर उसको जरा सा ये लगता है कि ये आदमी होशियार है, ये मेरे से आगे निकल सकता है, तो वो सबसे पहले उसी को बाहर करता है। ऐसा चल रहा है, नहीं चल रहा हमारे संगठन में देश, नहीं तो चल रहा है। और उसके बाद मान लो यहाँ 10-12 बम से भी चल रही है देश में, लेकिन क्या कोई रिजल्ट आ पा रहा है? क्यों? चूंकि स्वयंभू मालिक हैं, राय लेना भी उचित नहीं लोग समझते। इसलिए हम ये सुझाव लेकर आए हैं कि आप लोग, समाज के लोग पूरे देश से, हर राज्य से उसकी संख्या के अनुपात में कम से कम फौरी तौर पर तो एक एक दो दो लोगों का अभिगठन करें, आज ही कुछ नाम इसके लिए तय करें, और इसमें 60 साल से उम्र के उन लोगों को रखा जाए इस संगठन में जो भविष्य में ना तो चुनाव के मैदान में कभी जाने की बात होगी, इस तरीके का एक संगठन। लेकिन अब जो इसका इस्तेमाल होगा, अब इस संगठन का इस्तेमाल होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर देश में एक रैली करने की तैयारी है आपके सामूहिक नेतृत्व में, उसमें कोई अकेला आदमी कोई लीडर नहीं होगा, समाज के सारे ये जिम्मेदार लोग होंगे, ये सारे लोग मंच पर होंगे, संविधान बचाओ देश बचाओ। और उस रैली को करने के बाद अगले दिन फिर ये जो संगठन है, आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहे इसका रजिस्ट्रेशन करा ले, ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन ना कराए ना, यदि कराना चाहते हो तो करा लीजिए। अभी 19 अक्टूबर को मैं राजस्थान से मिला था जी, अम्बेडकर भवन में जी। तो एक्चुअली मैं एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप से बोलते हैं, अभी मेरी कंपनी अभी मैंने रजिस्टर कराई है, तो मैं उनसे इंटरेक्ट हुआ था, तो उन्होंने हमें बताया था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम से सोसाइटी बनाई थी और उसी सोसाइटी को राजरतन जी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बहुत ही पुरानी सोसाइटी है जो अम्बेडकर बाबा साहब ने बनाई, तो नाम इसी सोसाइटी को बनाया या कोई दूसरी सोसाइटी? भैया ऐसा है, क्या शुभ नाम है आपका? ललित कुमार। ललित जी, इस देश में बुद्धिस्ट के अलावा मुस्लिम भी है जी, सिख भी है, ईसाई भी है, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। जहां तक मैं बुद्धिस्ट हूँ इस सोसाइटी के अंदर हूँ, लेकिन अगर देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, संख्या देखी जाती है, अगर आपको दूसरे लोगों को जोड़ना है तो फिर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया लेकर का आप सिख को अपने साथ नहीं ला सकते, आप ईसाई को अपने साथ नहीं ला सकते, इसको भी मजबूत करिए, आप इसको भी मजबूत करिए, जो लोग बुद्धिस्ट है इसको मजबूत करें, जो हमारे लोग नहीं है उनको बनवाओ, हम दीक्षा के कार्यक्रम चलाओ। लेकिन ये जो बात हो रही है, जिस संगठन के निर्माण की बात हो रही है, ये आपकी सोसाइटी के ऊपर भी होगा, इसको भी देखेगा, ये धर्म को भी देखेगा, ये सामाजिक फील्ड को भी देखेगा, ये आपकी समस्याओं को भी देखेगा, ये आपकी आज समय आने पर राजनीति को भी देख सकता है भविष्य, यदि ऐसी कभी आवश्यकता हो। ये दूसरा एक संगठन की बात चल रही है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये धार्मिक संगठन है और यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं।